हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमानीज किचन। आज हम बनाएंगे भटूरे। तो ये भटूरे बहुत ही मुलायम और फूले फूले से बनेंगे। तो आप भी मेरे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैंने इस वीडियो में सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हमारे ये भटूरे बनकर रेडी होते हैं, जो छोले के साथ आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो छोले की रेसिपी भी मैंने मेरी चैनल पर पोस्ट की है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। तो चलिए ये भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ये रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले भटूरे का आटा गूंद लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, जिसे मैंने छान कर लिया है। यहाँ पर हम 3 से 4 व्यक्ति को सर्व हो सके उतनी क्वांटिटी में ये भटूरे बनाएंगे। फिर हम 2 चम्मच इसमें सूजी ऐड करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ चीनी ऐड करेंगे। फिर हम यहाँ पर 1/4 चम्मच, यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है तो वो ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच जितना दही लिया है और 2 चम्मच हम इसमें तेल ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो दही ऐड करने से आपके जो भटूरे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो इसे इस तरह से मसलना है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो पानी एक साथ ऐड नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। तो इस तरीके का सॉफ्ट डो बनाना है। अब लास्ट में 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे और इस डो को हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मसल देंगे। तो इस तरह से डो को मसलना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आटे को हम जितना मसलेंगे, भटूरा हमारा उतना ही अच्छा फूलेगा और सॉफ्ट भी होगा। तो इसे मैंने 5 मिनट तक मसल दिया है। अब हम इसे ढककर 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप 1 घंटे के लिए भी इसे रेस्ट दे सकते हैं। तो 2 घंटे बाद आप देख सकते हो कि हमारा डो बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो एक छोटा सा बॉल साइज़ का हम यहाँ पर डो ले लेंगे और अब भटूरे को हम रोल करेंगे। तो भटूरे का जो आटा होता है वो हमें बहुत सॉफ्ट बनाना होता है, इसीलिए इसे बेलने में परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैंने बेलने के लिए थोड़ा सूखा आटा यूज़ किया है, लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा तेल अप्लाई करके भी इसे बेल सकते हो। तो इस तरह से हमें भटूरे को बेल लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे ठीक नहीं करना है, थोड़ा पतला बेलना है। तो बेलने के बाद आप थोड़ा थोड़ा इसे हाथों की मदद से इसे प्रेस कर सकते हो इस तरह से, ताकि ये अच्छा गोल बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है। तो इसी तरह से 2 भटूरे मैंने बेलकर रेडी कर दिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो भटूरे को हम तेल में ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस करेंगे, जिससे ये ऑटोमेटिकली फूलने लगेगा। आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो रहा है। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से इसे पलटेंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आप भटूरे अगर बनाओगे तो आपके भटूरे भी इस तरह से फूले फूले ही बनेंगे और बहुत ही मुलायम बनेंगे। दूसरा भटूरा भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर आप प्रेस करोगे तो ये फूलने लगेगा। तो यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म भटूरे रेडी हैं, जिसे मैंने छोले, अनियन और फ्राई किए हुए ग्रीन चिली के साथ सर्व किया है। तो अब इसे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ।
तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बनकर ये तैयार हुआ है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे रेसिपी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू।